आज डिस्कस करेंगे कैप्टन लेथ के मेन पार्ट्स। कैप्टन लेथ के कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं और वो क्या क्या फंक्शन करते हैं, उसके डायग्राम देखेंगे, फ्रंट व्यू बनाएंगे और उसका टॉप व्यू भी हम ड्रा करेंगे। तो देखते हैं इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो सबसे पहले जो मेन पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं वो देखते हैं। दो लेग होती हैं लेथ की जो उसको सपोर्ट करती हैं। ये हैं दो लेग्स जो सपोर्ट करती हैं लेथ के बेड को, या फिर कह सकते हैं पूरी लेथ को ये सपोर्ट करती हैं। ये है बेड लेथ का, ये तो है लेग्स, ये है बेड। ये बेड क्या है, जितना बड़ा बेड होता है उतनी ही जो उसके ऊपर हम जॉब को होल्ड कर सकते हैं, उतने ही लंबी जॉब को हम उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो ये बेड की स्पेसिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लेथ होती है कि कितना बड़ा हमें बेड चाहिए। ये कास्टिंग के थ्रू ही बनाया जाता है बेड, क्योंकि जो छोटे मोटे बेड हैं जो लेथ हैं वो डायरेक्टली कास्टिंग के थ्रू बनाए जाते हैं, और अगर कोई बड़ा बेड है तो उसको दो कास्टिंग के थ्रू बना के बोल्ट के थ्रू जोड़ दिया जाता है। तो ये कास्टिंग के दौरान ही बनाए जाते हैं बेड। ये हमारा कास्ट आयरन का होता है, लेग भी और बेड भी। बेड के ऊपर हमारी गाइड वेज लगी होती हैं, और इसके साइड में एक फीड रोड लगी होती है। फीड रोड क्या काम करती है, फीड रोड के ऊपर थ्रेड कटे होते हैं, ये है फीड रोड। फीड रोड, इसको फीड रोड क्यों बोलते हैं, इसके ऊपर थ्रेड कटे होते हैं जिसके ऊपर हमारा पूरा कैरिएज मूव करता है इन थ्रेड के ऊपर। तो इसके ऊपर, बेड के ऊपर हेड स्टॉक होता है, इसको हम बोलते हैं हेड स्टॉक। हेड स्टॉक क्या काम करता है, हेड स्टॉक एक तरह का चैम्बर होता है जिसके अंदर सारा ड्राइविंग मैकेनिज्म होता है। ये जो ड्राइविंग मैकेनिज्म है ये गियर्स हो सकते हैं, पुलीज हो सकती है, मोटर हो सकते हैं, सब कुछ इस हेड स्टॉक के अंदर होता है। यहां से एक शाफ्ट बाहर निकली होती है जिसके ऊपर चक लगा होता है, ये होता है चक। ये चक हमारा दो तरह का होता है, थ्री जा चक भी होता है, फोर जा चक भी हम लगा सकते हैं। थ्री जा चक यूनिवर्सल चक होता है, फोर जा चक को हम जब कोई जॉब होल्ड करनी होती है तो अलग अलग तरफ से घुमाना पड़ता है, लेकिन थ्री जा चक को एक तरफ से टूल डालते हैं तो वो अपने आप जॉब को होल्ड कर लेते हैं। उसके तीनों जा, थ्री जा के अंदर तीन जा होते हैं और फोर जा के अंदर चार जा होते हैं जो जॉब को होल्ड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने बात की, ये गाइड वेज बनी होती हैं बेड के ऊपर, ये है गाइड वेज जिसके ऊपर से हमारा जो टूल संभालती है, हमारी कैरिएज, क्रॉस स्लाइड सब मूव करती है। तो यहाँ पे हमारा इस तरह की एक क्रॉस, या इसको हम सैडल बोलते हैं, जो मूव करता है, सैडल लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ मूव करता है। इसके ऊपर हमारी होती है क्रॉस स्लाइड, इसके ऊपर होती है क्रॉस स्लाइड, इसको हम बोलते हैं क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड क्या काम करती है, क्रॉस स्लाइड क्रॉस चलती है, सैडल लेफ्ट से राइट की तरफ चलता है, क्रॉस स्लाइड इस तरह क्रॉस चलती है जो इसके जो बेड है इसके बिल्कुल क्रॉस मूवमेंट देने के लिए, तो इसको हम क्रॉस स्लाइड बोलते हैं। इस क्रॉस स्लाइड के ऊपर हमारा लगा होता है टूल पोस्ट। टूल पोस्ट क्या काम करता है, टूल पोस्ट जॉब को, सॉरी, टूल को होल्ड करने का काम करता है, ये है टूल पोस्ट। टूल पोस्ट का काम क्या है, टूल को, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को होल्ड करना। चक का काम क्या है, जॉब को होल्ड करना। टूल पोस्ट का काम क्या है, टूल को होल्ड करना। तो ये है हमारी टूल पोस्ट। उसके बाद यहां पे कैपिटल लेथ के अंदर यहां पे टेल स्टॉक नहीं होता, यहाँ पे अलग मैकेनिज्म होता है। यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास सैडल होता है, ये सैडल है, उसके ऊपर रैम लगी होती है, ये है रैम,
ये है रैम, ये है सैडल, ये सैडल है और ये है रैम। रैम लेफ्ट और राइट की तरफ मूव कर सकती है, सैडल भी लेफ्ट और राइट की तरफ मूव कर सकता है, लेकिन हम सैडल को एक जगह फिक्स करके फिर रैम को मूव करते हैं। रैम के ऊपर हमारा होता है जो हेक्सागोनल टूल पोस्ट है, इसके ऊपर हेक्सागोनल टूल पोस्ट लगा होता है जिसमें हमारे टूल लगे होते हैं। हेक्सागोनल मतलब 6 टूल हम यहाँ पे फिट कर सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं हेक्सागोनल, हेक्सागोनल टर्रेट हेड भी हम इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम 6 टूल को होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे एक हैंड व्हील होता है जो इसको मूव करता है आगे पीछे की तरफ, इस पूरे सैडल को रैम के साथ और इस टूल के साथ। तो ये होती हैं इसकी सारे कंपोनेंट जो हमारे कैप्टन लेथ के हैं। अब हम इसको टॉप व्यू में समझते हैं कि वो किस किस तरह से, जो छिपे हुए पार्ट हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम इसका टॉप व्यू बनाते हैं। तो ये ले लीजिए, यहाँ तक हमारा है हेड स्टॉक, ये तो है हेड स्टॉक। देखिए इसकी बिल्कुल पैरेलल लाइन ले लेंगे, ये है हेड स्टॉक। उसके बाद यहाँ पे चक बना लेते हैं हम, ये है चक। उसके बाद ये बेड, जहाँ तक है ये बेड बना लेते हैं, ये बेड का टॉप व्यू है, ये हो गया बेड। उसके बाद जो ये टूल पोस्ट है, ऊपर से दिखाने दिखने में कैसी लगेगी ये? ऊपर से ये इस तरह की होती है, इस तरह की। इसके दोनों तरफ जो ये टूल पोस्ट है, हमारे स्केयर टूल पोस्ट लगे होते हैं। स्केयर मतलब यहाँ पे हम 4 टूल को होल्ड कर सकते हैं, तो ये इस तरफ और इस तरफ मूव कर सकते हैं। इनको हम स्केयर टूल पोस्ट को इधर उधर मूव कर सकते हैं, और यहाँ पे हमें पता है सैडल होता ही है, वो इस तरह से मूव कर सकता है, तो हम इसको दोनों ही डायरेक्शन दे सकते हैं। ये है हमारा सैडल और ये है हमारे टूल पोस्ट, ये दो लगी हैं, एक फ्रंट में, जैसे फ्रंट है इसके पीछे एक और लगी है, ये है। तो ये फ्रंट वाली है, ये रियर वाली है, ये स्केयर टूल पोस्ट हैं। तो दो हम लगा सकते हैं जो मूव कर सकती हैं। उसके बाद जो ये मैकेनिज्म है, ये क्या है? यहाँ पे हमारा, जब हम इसकी लेते हैं टॉप व्यू सैडल की, तो हमारा ये सैडल है, ये सैडल है, और ये रैम का टॉप व्यू लेते हैं तो इस तरह की हमारी रैम लगी होगी, ये रैम है जो इस तरफ मूव करेगी। और यहाँ पे हमारा हेक्सागोनल टूल लगा होता है, हेक्सागोनल मतलब इस तरह का, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल इस तरह का टूल पोस्ट हमारा लगा होता है यहाँ पे, ये चीज है ये। तो यहाँ पे हम 6 टूल होल्ड कर सकते हैं क्योंकि इसके 6 फेस हैं, तो 6 टूल्स को हम यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको आगे पीछे मूव करके, फिर एक जगह पे सैडल को फिक्स करके, इस रैम की हेल्प से कटिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, इनकी हेल्प से कटिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये है इसका फ्रंट व्यू और ये है इसका टॉप व्यू, जो इसके पार्ट्स हैं, मेन पार्ट्स। तो ये थी पार्ट्स ऑफ कैप्टन लेथ। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।